हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेके आऊँ कि हम कैसे यहाँ पे मैसेज टोन को डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट कर लेने से पहले लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गाइस, आपको लेना आपका हमें जाना है मोबाइल सेटिंग के आइकन पर। तो गाइस, यहाँ पे मोबाइल सेटिंग के आइकन पर चलते हैं। तो गाइस, जैसे मैं आपको बता दूँ, गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी सारी आइकन दी गई हैं। तो गाइस, आपको क्या लेना है इसमें, गाइस यहाँ पे आपको मोबाइल सेटिंग के आइकन पर चले जाना। तो गाइस, जैसे मैं आपको बताया, तो गाइस मैं आपको मोबाइल सेटिंग के आइकन दिया गया, इसको हम क्या लें पहले ओपन। तो गाइस यहाँ पे मैं उसको क्या लेंगे क्लिक। तो गाइस यहाँ पे मैं मोबाइल सेटिंग के आइकन को क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आप गाइस देख सकते हैं यहाँ पे आपको ओपन हो चुका है। ओपन हो जाने के बाद आपको गाइस क्या लेना है, यहाँ पे आपको जाना गाइस साउंड और वाइब्रेशन पे। और गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी सारी फंक्शन दी गई हैं। तो गाइस जैसे कि प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी फंक्शन दी गई हैं, जिसमें से गाइस आपको क्या लेना है साउंड और वाइब्रेशन पे जाना। तो गाइस यहाँ पे आपको साउंड और वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है, इसको मैंने ओपन कर लिया है। ओपन कर लेने बाद आपको गाइस क्या लेना है, मैसेज टोन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने बाद आपको गाइस जो आपको पहला आता है वो आपका डिफॉल्ट रहता है। तो गाइस जैसे आपका डिफॉल्ट का ऑप्शन आता है, गाइस ये आपका डिफॉल्ट है। और गाइस यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट कर लिया और यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।